जो वीडियो है ना वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एक सवाल रहता है कि दी आपने अपने DIY में कौन सा कलर यूज किया है। सीधे आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से कलर में यूज करती हूँ। हेलो मेरे प्लांट्स लवर, स्वागत है आपका टिंकू की दुनिया में। फ्रेंड, आज की जो वीडियो है ना वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो मैं खासकर आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरी हर DIY की वीडियो में आपका एक सवाल रहता है कि दी आपने अपने DIY में कौन सा कलर यूज किया है, प्लीज मुझे बताइए। वैसे तो मैं आपको कमेंट में बता ही देती हूँ कि मैंने कौन सा कलर यूज किया है, लेकिन अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैं उसमें नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इस तरह से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो मैं आज की वीडियो बना रही हूँ वो इसी को लेकर है कि मैं कौन सा कलर अपने DIY में यूज करती हूँ। तो फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधे आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से कलर मैं यूज करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जो जो कलर मैं अपने DIY में यूज करती हूँ मैंने सारे यहाँ पे रखे हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कौन से प्लांटर में मैंने कौन सा कलर यूज किया है। फ्रेंड देखिए, इस तरह के प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं उनमें मैं जो बेस है नीचे का उसमें यूज करती हूँ इस तरह का एनिमल पेंट। ये क्या होता है, खिड़की दरवाजों में जो हम यूज करते हैं ना वो वाला पेंट है। तो देखिए इसके कितने सारे डब्बे मेरे पास हैं। तो जैसे मुझे येल्लो चाहिए बेस तो मैं येल्लो कर लेती हूँ, मुझे किसी में ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक कर लेती हूँ। तो ये है मेरा जो मैं बेस यूज करती हूँ। और जो इसके फीचर्स होते हैं आंख नाक मुंह वगैरह, उसके लिए मैं यूज करती हूँ इस तरह से एक्रेलिक कलर। ये देखिए, ये आपको 25 रुपीज की मिल जाएगी पूरा बॉक्स लेने में, ऑनलाइन इसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इससे मैं बनाती हूँ अपने सारे फीचर्स। इन पॉट में भी जो मैंने फीचर्स ड्रॉ करे हैं अपने सारे DIY में, जिसमें भी मैं आंख नाक मुंह बनाती हूँ, वो मैं बनाती हूँ एक्रेलिक कलर से। तो इसका डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड, इस पेंट की एक बहुत बड़ी कमी ये होती है, ये बहुत देर में सूखता है। जैसे कि आप इसको पेंट करेंगे आपको इसको कम से कम धूप में 6 से 7 घंटा रखना होगा, और जाड़ों में तो क्या करना पड़ता है, इसको पूरी रात छोड़ना पड़ता है, फिर भी क्या होता है ये थोड़ा चिपकता है। बस ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसको सूखने में टाइम लगता है, वरना ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। प्राइस की बात करें तो इतना बड़ा डब्बा मुझे 200 रुपए का पड़ा है, और करीब 2 साल हो गए हैं अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैंने अपने बड़े गमलों में भी करा है, छोटे गमलों में भी इसे करा है। इसमें क्या होता है ना, थोड़ा ये गाढ़ा हो जाता है, आप इसमें तारपीन तेल मिला के इसे बार बार यूज कर सकते हैं, और वैसे देखा जाए तो काफी किफायती है। का माइनस पॉइंट यही है कि ये थोड़ा सूखने में टाइम ज्यादा लगाता है। ये देखिए, ये DIY जो मैंने बनाया है कुल्लर से बनाया है, ये पुट्टी से बनाया है, और ये देखिए ये बनाया है मैंने कांच की बॉटल में, और ये बनाया है गत्ते से। तो एक ऐसा कलर है जो मैं इन सब में यूज करती हूँ और काफी वो अच्छा है, वो भी है एक्रेलिक कलर, जिससे मैं फीचर्स बनाती हूँ। ये काफी अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, पानी में धुल जाता है, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। कम से कम 1.5-2 साल हो गए हैं मुझे अपने जो प्लांटर मैंने बनाए हैं उनमें एक्रेलिक कलर यूज किया है, तो ये काफी अच्छा चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस बॉटल में सिर्फ एक्रेलिक कलर यूज किया है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो मेरी डॉल है ये मैंने पेप्सी की बोतल से बनाई है, इसको 1 साल से ज्यादा हो गया है। इसमें मैंने पूरा जो यूज करा है वो एक्रेलिक कलर करा है, इसमें मैंने एनिमल पेंट यूज नहीं करा है। तो इसके ऊपर मैं पानी डालती हूँ, देखिए कहीं से नहीं उतरा है, बस इसको आप खुरचेंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन खुरचना क्यों है, खुरचने की तो कोई जरूरत ही नहीं होती इसमें, हमें सिर्फ पानी वगैरह डालना होता है, इसी तरह से रखना होता है। और देखिए अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा इसका कलर खराब नहीं हुआ। ये तो अभी मैंने कुछ दिन पहले बनाए हैं, लेकिन पुरानी वीडियो में आप जाके देखेंगे इस तरह के पुट्टी से मैंने बहुत सारे प्लांटर बनाए हैं, तो उसमें भी मैं सब में एक्रेलिक कलर यूज करती हूँ। और फ्रेंड, इस तरह के जो DIY होते हैं, जो वॉल हैंगिंग के वगैरह के होते हैं, तो इनमें भी मैं एक्रेलिक कलर यूज करती हूँ। फ्रेंड, इसकी एक खास बात आपको मैं और बताती हूँ, ये इतनी जल्दी सूख जाता है, इवन लगाते लगाते ही सूख जाता है। जैसे कि हम लोग वीडियो बनाते हैं ना तो हमें जल्दी जल्दी कुछ करना होता है, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर एक में पेंट कर रही हूँ, अगर एक तरफ भी करती हूँ तो दूसरी तरफ सूख जाता है। और ये प्लास्टिक में भी काम आता है, गत्ते में भी काम आता है, इस तरह के पॉट में भी काम आता है, आ जाता है जो टेराकोटा के पॉट होते हैं, और तो और इस तरह की कांच में भी काम आ जाता है। और एक ये देखिए, ये मैंने बनाया है पेंट की बकेट से। तो इसके पेंट का लिंक मुझसे बहुत सारे जनों ने मांगा था, तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसे मैंने बनाया है, ये देखिए 3D नियॉन कलर, ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज करे हैं। इतना पेंट करने के बाद भी इतने ज्यादा बचे हैं, काफी अच्छे हैं, इंस्टेंट सूख जाते हैं। और देखिए, किसी ने पूछा था ये पानी से खराब
होंगे या नहीं होंगे। देखिए पानी से तो ये बिल्कुल खराब नहीं हो रहा है, और देखिए खुरच के भी देखिए, ये देखिए बिल्कुल नहीं निकल रहा है। ये काफी बढ़िया है, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है और दिखने में काफी अट्रैक्टिव भी है। एक बहुत सुंदर सा मंडाला आर्ट जो करते हैं ना, वो भी आप इससे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये आपको काफी उभरा सा नजर आ रहा होगा, इसका नाम 3D नियॉन कलर शायद इसीलिए है क्योंकि इसमें उभार सा है, एकदम 3D सा लुक आ रहा है। ऐसे लग रहा कि जैसे हमने पुट्टी के पेस्ट से इसे बनाया होगा, तो काफी अच्छा ये पेंट मुझे लगा। अब फ्रेंड, ये है स्प्रे पेंट, ये मुझे 200 रुपए का पड़ा, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है। और इसका यूज मैं बताती हूँ आपको कब करती हूँ, जब दिवाली वगैरह में मैंने उरली वगैरह बनाई थी और दिवाली के जितने DIY वगैरह बनाए थे तो उसमें इसका यूज करा था, और अभी भी इसमें काफी क्वांटिटी बची है। तो ये कॉस्टली है, तो इसलिए मैं प्लांटर वगैरह में इसका यूज नहीं करती हूँ। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह से कोई महंगे DIY या फिर किसी फंक्शन के लिए DIY बना रहे हैं तभी इसका यूज करें, जो एक बार बनेगा, लेकिन बार बार यूज के लिए ये नहीं। एक फ्रेंड, ये है इंडिको का MLCN पेंट। इससे क्या होता है, दीवारों पर डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, तो इसे मैं कहां यूज करती हूँ, जो मेरे बहुत बड़े टेराकोटा के गमले हैं या फिर प्लास्टिक के बड़े वाले गमले हैं उनमें यूज करती हूँ। 300 रुपए का है, कम से कम साल भर चल जाएगा, काफी सारे आप इससे गमले पेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। फ्रेंड, पहले ना इसका छोटा डब्बा नहीं आता था, लेकिन अब इसका 180 रुपए का छोटा डब्बा भी आने लगा है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और फ्रेंड देखिए, ये है क्लास कलर, इस तरह से ये आते हैं। अभी तक तो फिलहाल मैंने ये यूज नहीं करे हैं क्योंकि इनको मैं लेके आई थी, मैंने सोचा था इस तरह का कोई ग्लास वर्क करूंगी तो मैं इनका यूज करूंगी। फिलहाल अभी मैंने यूज नहीं करे हैं क्योंकि मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट ये एक्रेलिक कलर होते हैं, क्योंकि ये सूख भी जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, तो मैंने इसमें भी इसी तरह से यूज कर लिया। जब भी मैं इसको यूज करूंगी उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, ये जितने भी मेरे DIY प्लांटर हैं, ये धूप में भी रहते हैं, बारिश में भी रहते हैं, लेकिन इनका कलर फेड नहीं होता है, काफी लॉन्ग लास्टिंग है, तो यही कलर मैं इनमें यूज करती हूँ। फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ जो कलर से रिलेटेड आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपका कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने की। और आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी, और इस तरह से अब जब भी आप DIY बनाएंगे तो आपका कलर का डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी तो आप मेरी वीडियो देख लेते हैं, बाद में मुझे ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी इस तरह की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।